हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती जादुई सात परियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गर्भवती जादुई सात परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में एक दुष्ट रानी राज करती थी। वो रानी बहुत ही लालची और मतलबी थी। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर एक दिन रानी परी कावेरी परिदेश पर कब्जा करने के लिए वहाँ आक्रमण कर देती है। लेकिन वहाँ की परियां बहुत ही शक्तिशाली थी। वो सभी रानी परी को बुरी तरह हरा देती हैं। उसके बाद वो सभी परियां मिलकर रानी परी की खूब पिटाई करती हैं और उसके बाद रानी परी की जादुई छड़ी छीन लेती हैं। देख, इस बार तो हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। अगर अगली बार तूने कभी हमारे राज्य पर हमला करने की सोची तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद वो सभी रानी परी और उसकी सिपाही परियों को धक्के देकर अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। इस अपमान से रानी परी पूरी तरह बौखला जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करके ही रहूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। सबसे पहले मुझे एक जादुई छड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद रानी परी अपने महल में बहुत सारे जादूगरों को बुला लेती है। मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी की जरूरत है। तुम में से जो भी जादूगर मुझे जादुई छड़ी बनाकर देगा, मैं उसे परिदेश का आधा खजाना दे दूंगी। ये सुनकर सभी जादूगर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी जादूगर अपनी शक्तियों से रानी परी के लिए जादुई छड़ी बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर रानी परी एक एक कर जादुई छड़ियों को आजमा कर देखती है, लेकिन उसे कोई भी जादुई छड़ी पसंद नहीं आती। तुम सभी जादुई छड़ियाँ किसी काम की नहीं है। इनसे मैं कावेरी परिदेश की परियों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद रानी परी उन सभी जादूगर को भगा देती है। फिर कुछ दिन बाद पृथ्वी का एक बूढ़ा जादूगर रानी परी से मिलने आता है। रानी जी, मैंने सुना है कि आपको एक जादुई छड़ी चाहिए। मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक है। तुम काम बताओ, खतरे की चिंता मत करो। पृथ्वी के जंगल में एक शैतानी झरना है। उस झरने में एक बहुत ही खतरनाक शैतान रहता है। उसे गर्भवती परियों का मांस खाना बहुत पसंद है। उस शैतान को खुश करने के लिए हमें सात गर्भवती परियों को झरने के पानी में डुबोकर मारना होगा। फिर वो शैतान तुम्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी देगा। उसके बाद कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। बूढ़े जादूगर की बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सात गर्भवती परियों को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर अगले दिन रानी परी पूरे राज्य में घूम घूम कर गर्भवती परियों का पता लगाने लगती है। शाम तक रानी परी को सात गर्भवती परियां मिल जाती हैं। उसके बाद रानी परी उन सभी परियों को अपने महल में बुला लेती है। मुझे पता चला है कि पृथ्वी पर एक जादुई झरना है।
उस झरने में नहाने से तुम सभी के होने वाले बच्चे बहुत ही ताकतवर होंगे और साथ ही तुम सबको एक एक जादुई हीरा भी मिलेगा जिसकी मदद से तुम दुनिया का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और उस जादुई झरने में नहाने का मन बना लेती हैं। फिर अगले दिन रानी परी उन सभी परियों को जादुई कालीन पर बैठाकर पृथ्वी की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक तोता उड़ता हुआ जादुई कालीन के पास आता है। ये दुष्ट धोखेबाज रानी परी तुम सभी परियों को शैतानी झरने में ले जाकर वहाँ रहने वाले शैतान के हवाले करना चाहती है। अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर सभी परियों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कमबख्त तोता कहाँ से आ गया, इसने तो मेरी पोल खोल दी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी तलवार से तोते पर हमला करती है, लेकिन वो तोता हवा में उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तभी कालीन पर बैठी परियों को नीचे एक बड़ी सी झील दिखाई देती है। वो सभी परियां एक साथ नीचे कूद जाती हैं। दूसरी तरफ झील में कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी एक आदमी आसमान से गिर रही परियों को देखकर कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, आसमान से तो परियों की बारिश हो रही है, ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, इतनी सारी परियां आसमान से कैसे गिर सकती हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले ही पल वो सभी परियां एक एक कर झील के पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ रानी परी भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी एक परी मछली पकड़ने वाले आदमियों से कहती है, हमें बचाओ, ये दुष्ट रानी परी हमें जान से मारना चाहती है, हमारी मदद करो। परी की बात सुनकर सभी आदमी फौरन नदी में कूदकर सभी परियों को उठाकर अपनी नाव पर बैठा देते हैं। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन परियों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो लोग रानी परी की धमकी से नहीं घबराते। तभी एक आदमी चुपके से रानी परी के ऊपर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेता है। चलो अब इस बुरी परी को सबक सिखाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग रानी परी के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांध कर उसे झील के गहरे पानी में फेंक देते हैं। अरे नहीं, ये तुम लोगों ने क्या किया? अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते रानी परी पानी में डूब कर मर जाती है। इस तरह रानी परी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ वो सभी परियां उन आदमियों का शुक्रिया अदा कर वापस अपने परी देश लौट जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं।